कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया है, अब वही लड़का चार जगह पे और जाके दे रहा है, मतलब चार लड़कियों को इमोशनली मतलब चीट कर रहा है। जो लड़का जैसे रेड रोज, हम भी जैसे कॉलेज में किसी भी को जाके आप पूछेंगे, ये जो बात कर रही है वो बात अलग बात कर रही है कि रिस्पेक्टफुली हम एक दूसरे को देके हम प्यार कर सकते हैं, वो बात अलग 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 बात है। जब लड़के लड़कियों की बात आती है, कॉलेज या स्कूलिंग की बात होती है, वहां पे बात कुछ अलग होती है। वहां पे ये 14 फेब की आड़ में फिजिकली लोगों को यूज किया जाता है, उसको इमोशनली लोग चीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो एक ही चीज चार लड़के जाके चार लड़की को बोल चुके होते हैं। तो उसके मेंटली सिचुएशन, उसके इमोशंस के साथ खेला जाता है, उसके बाद उसकी बहुत ही बुरी असर होती है लड़की के मानस पर। और दूसरी बात, आपने बोला कि जो बोल नहीं सकते मर्यादा में, तो मर्यादा अगर किसी लड़की को हो तो ऐसी बात नहीं कि 14 फेब के लिए उन्हें रुकना चाहिए। अगर जो बोलना चाहेगा वो रुक रुक के 2 साल रुकेगा तो 3रे साल बोल ही देगा, उसकी वजह से 14 फेब के लिए रुकने की जरूरत नहीं, और उसी दिन बोल पाएगा मैं ये मानती नहीं हूँ बिल्कुल। और अभिव्यक्ति के लिए अगर हम हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे, सब कुछ उन्हीं का ही ले लेंगे, अच्छी चीजें ले रहे, पढ़ाई विटाई है वहाँ पे, वहाँ पढ़ो, पढ़ के पर इधर आओ, मैं ये बोलूंगी यहाँ पे आओ, यहाँ पे डेवलप करो, काफी लोग वापस भी आ रहे हैं। और सोनल जी, इस प्रकार से विरोध करना, बिल्कुल रुझान जी आपको मौका दूंगी, लेकिन इस प्रकार से विरोध करना कि कार जला देना, फूल जला देना, किसी का बिजनेस इस प्रकार से, किसी का नुकसान करना, वो तो अपना बिजनेस चला रहा है, वो गलत मर्जी हमारी है, यानी लड़कों लड़कियों की, वो ले या ना ले। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अलग अलग कॉन्फ्रेंस में या ऐसे कोई मनोचिकित्सक द्वारा या हिंदू संगठन द्वारा ऐसे लड़कों को या लड़कियों को, युवा युवतियों को समझाना चाहिए भी ये हमारी भारतीय संस्कृति, हम ऐसे दिन नहीं मना रहे, ना कि इस प्रकार के नुकसान और हिंसात्मक प्रवृत्ति करनी। मैं ये बोलूंगी आपको और सपोर्ट भी करूंगी इस चीज को कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जलाने की जगह पे अगर कोई परमिशन लेके आप उसका विरोध करो और लोगों को जागरूक करो, बच्चों को जागरूक करो, कॉलेज कैंपस में या फिर स्कूल कैंपस में आप उनको जाके बोलो कि हमारी संस्कृति ये है, ये इस तरह से होना चाहिए, इससे काफी चीजें बदल सकती हैं, ना कि आप किसी का बिजनेस जलाने से या फिर किसी को मारने से या कहीं जाके हिंसात्मक कृत्य करने से ये चीजें रोकी नहीं जा सकती। और ये बिल्कुल गलत है, हम किसी के धंधे पे किसी को भी नुकसान जाएगा ये सब चीज करने के लिए मैं एकदम खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ सही तरह से उसका विरोध करना चाहिए। और वो विरोध जैसे हम लोग मुख होके साक्षी होके भी कहीं एक जगह पे भी हम धरने पे बैठ के उसका विरोध कर सकते हैं, और लोगों को मैसेज अगर पहुंचाना है तो काफी जगह से इंटरनेट के माध्यम से भी हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें हिंसात्मक जो एक्शन होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल रुझान जी, हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती है, और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि किसी की लाइफ में हम इंटरफेयर करना वो भी हमारे बंधारण के अधिनियम के खिलाफ है। अगर कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर प्यार से एक अच्छे स्थल पे बैठे हैं, अगर हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर हम इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं? सबसे पहले तो ये तो सत्य है, मेरे को इसलिए मैंने बोला वैलेंटाइन डे का जो नेगेटिव खाली ये है कि जो छोटे बच्चे जो इमैच्योर होते हैं वो समझ नहीं पाते और वो फिसल जाते हैं, या वो रोज वाला चक्कर जो भी चार लोगों को दिया ने वो वाला चक्कर होता है, वो 100% राइट है। तो उस पॉइंट ऑफ अगर ये क्या वैलेंटाइन, तो 31st को भी तो ये होता है, तो 31st ऑफ उसके भी तब हम लोग अवेयरनेस कैंप्स करते ही है ना कि भाई ये दारू और वो कुछ देवे तो देखना कि क्या डाला है, ऐसे मत पीना, यू नो ऐसे सब करते हैं, माँ बाप ध्यान रखते हैं। तो वैलेंटाइन डे में भी माँ बाप ये तो ध्यान रख ही सकते हैं, पेरेंट्स टीचर्स ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये फिजिकल वाला पॉइंट है, वो जरा वो उसमें ध्यान रखना है, बाकी कार्ड देने रोज देने से कोई ऐसा नहीं है। और आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल की लड़कियां भी ज्यादा मैच्योर्ड है इन टर्म्स ऑफ, वो भी जानती है कि इसने चार जनों को और जाके दिया ही है और कई बार तो सामने देते हैं, इसलिए ये फिजिकल वाला पॉइंट तो उससे मैं भी बिल्कुल विरोध में हूं। इससे तो मैंने कहा उसकी जो बुराई है वो एक ये पॉइंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वो डे सेलिब्रेट नहीं करो, उसका मतलब ये है कि तो ये वाली बात है ना कि वरना आपको उंगली दुखती और आप हाथ काटो ये वाली बात है। सो अपने को उंगली दुखती है तो उंगली का इलाज करना है, तो उसका इलाज अवेयरनेस करना है। दूसरी जो आप बता रहे हो कि जो हिंसा है वो तो 100% अपना बंधारण हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर आप रास्ते के बीच में बैठ के जो पीडीए पर्सनल, वो क्या कहते हैं, पर्सनल अफेक्शन जो दिखाते हो जी जी। वो करना नहीं है, क्योंकि वो हमारे बंधारण में भी कहते हैं कि अगर वो करोगे तो वो गुनाह के पात्र है, इसलिए उस पे वो क्या कहते हैं स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन उस पे स्टेप्स का मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग आके मारपीट करें, क्योंकि उसका मतलब तो उन्होंने भी कानून हाथ में ले लिया है। तो अपने को अपने जो भी कानून के फ्रेम में है, बिकॉज वी रिस्पेक्ट, अगर आपने अपना जो फ्रीडम, हर आदमी को, आपको भी मुझे भी, लेट अस सोनल जी है अपने पति के साथ बैठे हैं और वो कहीं गार्डन में बैठे, तो वी रिस्पेक्ट दैट।
हाँ अगर वो आगे बेड़ा काम करेंगे तो इट इज सपोज टू बी कि आप आपके घर में जाके करो ना, घर में तो हमको कोई आएगा नहीं आपको देखने के लिए, सो ये बहुत जरूरी है। और ये तो क्या आप छोड़ दो वैलेंटाइन डे छोड़ दो, ये तो कोई भी डे पे हैप्पी बर्थडे के दिन भी ये नाटक होते, आपको नहीं पता वो पर्सनल नाटक होते, बर्थडे के दिन तो इससे ज्यादा, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे होता है तो कितने रात को नाटक होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो हम तो तब तो आप लोग झंडा गाड़ने नहीं जाते हो, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि ये क्योंकि वो जग जा रही है, इसलिए जरूरी है कि अगर हम उनको इसमें एडुकेशन देवे तो ये काम सही होगा। बिल्कुल सुनल जी, अगर लड़का लड़की की बात साइड में रख देते हैं, अगर वैलेंटाइन डे के दिन शायद हम देखते हैं कि हमारे माता पिता जो हमारी व्यस्तता के कारण हम उनको समय नहीं दे पाते हैं, अगर पत्नी की बात करते हैं तो वो पूरे दिन घर में काम करती है, ऑफिस में जाती है, सब जाती है, और शायद पति उसका बर्थडे वगैरह है कुछ ऐसा दिन भूल जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, हमारे जीवन में नया उत्साह नया आनंद लाने के लिए। अगर वैलेंटाइन डे के दिन अगर शायद अचानक ही पति जाता है और रेड रोज दे देता है, बिल्कुल से बिल्कुल पवित्र और शुद्ध प्यार का इजहार करने का दिन है, क्या कहेंगे अगर वैलेंटाइन डे को इस पॉजिटिविटी साइड से देखा जाए तो कितना योग्य है? नहीं मैं अगर वो देते हैं पॉजिटिवली, आप अगर बोल रहे हो तो वो अगर उसी दिन को अगर देना चाहते दे, पर मैं ये बोलूं रोज क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन 14 फेब को ही क्यों बोलना है? हम और कहीं पे फॉर्मेलिटी होंगी, ये भी सोच लीजिए, कई बार पतियों के ऊपर इतना प्रेशर होगा कि आज 14 फेब है, अगर मैंने घर पे रोज लेके नहीं दिया तो पत्नी ने मेरे पे ये पश्चिम मुंह फूल जाएगा और झगड़ा होगा। तो ये पश्चिमी संस्कृति की वजह से घर में प्यार तो साइड पे रहा, कहीं और कुछ वहां पे शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। पर अगर आप रोज अगर आपकी बीवी को आके पूछते हो कि आप थके हुए हो, उनकी हेल्थ और रोज प्यार का इजहार, क्या घर में रोज आके नहीं बोल सकते कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी केयर करता हूँ, क्या उसके लिए आप 14 वेब का वेब? मैं ये चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर आपको लगता है, और कितने लोग आप अपने माध्यम से आप बोल रहे हैं अभी कि उसी दिन ही क्यों याद करेंगे, मतलब उसको उसी दिन मैंडेटरी हो गया, फर्ज याद हो गया ये चीज करनी है, अगर उसने उस दिन भूल गया तो उसके घर में मतलब वो शुद्ध बुद्धि से या प्यार से नहीं करेगा, बट करना है उसको अच्छा लगने के लिए, उसी लिए वो करेगा, इसमें मतलब सच्चाई नहीं होगी। जी, सोनल जी एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहती है कि रोज पति जाके फूल दे और बोला आई लव यू। मैडम आप एक हकीकत में आइए प्लीज, और कई बार ऐसा हो तो पत्नी बोलेगी तने ताऊबाब आयो छे, सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट सोनल जी। और अगर वेल आपका ओके आपका वो लुक पॉइंट सही है कि कई बार मजबूरी में होता है, लेकिन ऐसे मजबूरी वाला रिलेशन भी क्या काम के मैडम, ऐसे मजबूरी वाला कोई रिलेशन काम के नहीं। लेकिन इसलिए जो पति अगर प्यार से अगर उस दिन लेट अस से, अभी मेरी तो शादी नहीं बट आपका एग्जांपल ही लूं, अगर आपका वैलेंटाइन डे के लिए पति अगर आपको गुलाब लेके गया तो आप खुशी से ले लोगे, आप स्माइल देके लोगे, आपके दिल में लड्डू फूटेंगे, आप एक्सेप्ट करो चीज को, तो ये तो बहुत अच्छा है। ये पश्चिमी को छोड़ो मैडम, हम ग्लोबल विलेज में आ गए, ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल इंडिया है, तो पश्चिमी छोड़ दो, एक्सेप्ट करो कि यार ये एक अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव हमने उसको मना कर दिया वो हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव आप भी खुश हो गए। मान लो सोना जी आप पति क्या पहले तो पति के अगर कभी देंगे ही नहीं वैलेंटाइन डे के दिन, अगर मैं आपको एक दोस्ती का गुलाब दूंगी तो भी आप खुश हो गए, जाओ गारंटी बोलूं मैं आपको खुश हो गए। यार आप याद भी रखोगे कि रुझान ने मेरे को वैलेंटाइन डे के दिन येलो रोज दिया था, खुशी है यार, सही बात है, पर हमें हमारी संस्कृति के जो बेसिक है उसको भूल के लोग पागलों की तरह उन्हीं के मैडम उसके लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं ना हम लोग, अवेयरनेस कर रहे हैं, पर अवेयरनेस उनके त्योहार के लिए हमें अवेयरनेस करने की क्यों जरूरत है, हमें बंदी करना है? मैं तो 365 दिन वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी की अवेयरनेस करती हूँ, वेलकम गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड, आप भी साथ देते हैं, बिल्कुल से आपसे आखिरी सवाल, दोनों से एक कॉमन सवाल पूछना है, रुझान जी क्या कहेंगे आज का हमारा जो विषय है बदल गई है प्रेम की परिभाषा, आपको लगता है क्या शुद्ध और पवित्र प्रेम जो पहले दिखाई देता था अब कहीं ना कहीं ये परिभाषा आज के जमाने में बदल गई है, क्या कहेंगे आप? सी मेरा सिंपल कहना है कि कोई परिभाषा नहीं बदली है, अकॉर्डिंग टू टाइम प्रेम चेंज होता है, जो हमें एक्सेप्ट करना है, और जिस तरह टाइम चेंज होता है प्रेम ने उस तरह अपना अपना रूप धारण किया है। और मेरा सिंपल इतना कहना है कि जब तक एक लेडी या जेंट या जेंट या जो भी हो, जब तक उन लोगों में एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, म्यूचुअल प्रेम है, तब तक ये चलेगा, और जब तक नहीं हो तो इसको तोड़ देना चाहिए, मेरा सख्त ये सब मानना है। और वैलेंटाइन डे क्या सारे डे मनाओ, प्रेम से मनाओ, पॉजिटिवली मनाओ, और ये जो उसकी नेगेटिव पॉइंट है उसका हमें ध्यान रखना है, वो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब एल्डर्स को ये बात अपने बच्चों को समझानी है कि इसकी नेगेटिविटी से आप ध्यान रखें। सुनल जी क्या कहेंगे, प्रेम की परिभाषा परिवर्तन के साथ बदल गई है क्या? जी बदल गई है डेफिनेटली, अभी बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है सब चीजों, गिफ्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्यार दिल से होता है, ना कार्ड और रोज की कोई जरूरत नहीं होती, प्यार जेन्यून होता है, अगर उसके लिए आप किसी एक दिन के लिए वेट करो और आप उसको उसी दिन बोलो, तो मैं बिल्कुल अभी जो पहले के जमाने में बात थी कि बोले बिना भी प्यार का इजहार हो सकता था, वो बात अलग थी, और आज भी कैसे कपल्स हैं, और आपको शायद बहुत ताज्जुब होगा कि आज के यंगस्टर्स में भी ऐसे लोग हैं
कि जहाँ पे कोई भी चीज की अभिव्यक्ति बिना भी प्यार है, अरेंज मैरिजेस है और इतना सारा प्यार है और लोग जी रहे हैं, इसकी वजह से कोई ऐसी बात नहीं, पर चेंजेस जरूर हुए। अभी यहाँ पे जो ट्रस्ट का लेवल जो होना चाहिए वो डेफिनेटली बहुत कम हो गया है जो, और ये जब चीजें जो होती है जो पश्चिमी वैलेंटाइन डे, उसकी वजह से हमारा जो युवा धन है वो गैर मार्ग पे जरूर जा रहा है। स्कूल में तो बिल्कुल बैन होना चाहिए, बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं वहाँ ये चीज वो वही दिमाग में, जहाँ पे 15 इयर्स की लड़की है उसके जब भी हार्मोनल चेंजेस है, फिजिकल अपोजिट अट्रैक्शन के लिए उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसी टाइम पे ये सब चीजें होती है, वो चीजों की वजह से कई बार कहीं कोई गुनाह भी होते हैं और मिसयूज भी होता है। यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखा है कि हमें जागरूक रहना है। प्रेम की परिभाषा बदलने के बदले या ना बदले, लेकिन हमें परिवर्तन के साथ हम बदलना भी चाहिए, लेकिन हाँ हमारी भारतीय संस्कृति के मर्यादा में रहकर ही हमको बदलना चाहिए, संस्कार के साथ ही बदलना चाहिए। सोनल जी, रुझान जी, धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। तो दर्शकों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे दर्पण में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।